टीएमसी को दीदी लगे झांसी की रानी जो किसी के आगे झुकती नहीं, लेकिन बीजेपी को ममता लगे कुछ और। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भले बंगाल का सियासी ड्रामा खत्म हो गया हो, लेकिन उसके सियासी मायने अभी तक निकाले जा रहे हैं। विपक्ष की कद्दावर नेता के तौर पर उभरी दीदी में तृणमूल को झांसी की रानी नजर आती है, तो वहीं बीजेपी को ममता बनर्जी में पूतना दिखती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल, जो कुछ दिन पहले राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ था, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सन्नाटा उस सियासी तूफान का संकेत है जो कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव में सबको दिखेगा। वैसे उस वक्त सीबीआई और कोलकाता पुलिस के बीच छिड़ी जंग ने ऐसी हलचल मचाई कि सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। चिटफंड घोटालों की जांच कर रही सीबीआई ने जैसे ही बंगाल में कदम रखा, ठिठुरती ठंड में नीली किनारी वाली सूती साड़ी ओढ़े दीदी भागी भागी पुलिस कमिश्नर के घर जा पहुंची। धरने पर बैठी ममता बनर्जी ने दिखा दिया कि अब मैं झुकने वाली नहीं हूँ। इस बात पर डटी रही कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर यानी कि राजीव कुमार की ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। वहीं देश के प्रधानमंत्री ने भी चुटकी लेते हुए पूछ लिया कि दीदी अगर कुछ किया ही नहीं तो इतना डरने की भी क्या जरूरत है। मुझे जो ये पानी पी पी करके कोसा जाता है, गालियां दी जाती है, उसकी वजह यही है कि मैं भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं। और इसी वजह से ये लोग इतना बौखला गए हैं कि जांच एजेंसियों तक उनको पश्चिम बंगाल आने से मना कर रहे हैं। अरे दीदी, अगर कुछ गलत किया नहीं है तो इतना डरने की भी जरूरत क्या है। अरे किस बात का डर लग रहा है रे। अरे आपको तो याद होगा, मुझे भी गुजरात में 9-9 घंटे तक बिठाकर दिल्ली से आई जांच एजेंसियां पूछताछ करती थी, वहां भी सीबीआई अपना खेल करती थी। उस समय की यूपीए की सरकार सीबीआई का दुरुपयोग हमारे खिलाफ करती थी, जो चाहे वह करवाती थी, लेकिन हमने कभी संस्थाओं को अपमानित नहीं होने दिया। हमने कभी गुजरात से सीबीआई को निकालने का निर्णय नहीं किया। हमने कहा और को लाना है तो ले आओ, हम ईमानदार है, हमें कुछ होता नहीं। लेकिन वो डरे हुए हैं, उनको तो बीजेपी के प्रेसिडेंट के आने पर भी जमीन खिसकने को लग जाती है। तो पूरी रात चले इस सियासी घमासान पर जब कोर्ट ने आदेश दिया, तब जाकर 3 दिन बाद बंगाल की दीदी ने अपना धरना तोड़ा। कोर्ट ने जहां पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी से मना किया, तो वहीं शिलोंग में सीबीआई के सामने पेश होने का भी आदेश दिया, जिसके बाद हर कोई अपने अपने जीत के दावे करने लगा। दीदी ने जहां कोर्ट के फैसले को अपनी नैतिक जीत बताई, तो वहीं बीजेपी ने इसे टीएमसी के लिए तगड़ा झटका करार दिया। आई थिंक इट्स अ मॉरल विक्ट्री। व्हाई इट्स अ विक्ट्री? वी सेड वी हैव अ ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर द जुडिशियरी एंड द मीडिया एंड ऑल द इंस्टीट्यूशन। नंबर वन, this order was passed earlier also, that they can talk mutually in a mutual place, they can cooperate each other. Same today also the same thing, same verdict. We are grateful to that. Number two, yes, Rajiv Kumar never said that I will not be available. He said letters, he has given 5 letters. He said we want to meet a mutual place. If you want to ask any clarification, you can come, we can sit there. But what they have started doing,
They wanted to arrest him. They went to his house with secret operation, Sunday, without any notice. That court said no coercion effect, no arrest. We are so grateful. We are so obliged because it will strengthen the moral of the officials. आज पत्रकारों के माध्यम से ये समाचार आया कि कोर्ट में जब सीबीआई ने अपना केस प्रस्तुत किया तब सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से दस्तावेजों में सबूत में छेड़छाड़ का एक प्रमाण ये भी कि कॉल रिकॉर्ड्स संदिग्ध अपराधियों के जो सीबीआई के पास टेलीफोन कंपनीज द्वारा प्राप्त हुई थी उनमें और जो सबूत पश्चिम बंगाल की पुलिस ने प्रस्तुत किया उनमें अंतर था। भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश की सराहना करती है, आभार व्यक्त करती है और पश्चिम बंगाल में अराजकता और गुंडागर्दी का प्रतीक बनी तृणमूल की सरकार पर जो कटाक्ष हुआ है आज इस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर वो अपने आप में भारतीय राजनीति में इस बात को प्रतिस्थापित करता है कि दो दिन से चल रहा ममता जी का ये बनावटी प्रोटेस्ट संरक्षण है गरीबों के लुटेरों के लिए। कहते हैं ये पब्लिक है भैया जो सब जानती है। बंगाल के इस हाई वोल्टेज ड्रामे से बीजेपी और टीएमसी के हाथों क्या लगा ये तो जनता ही जाने, लेकिन एक बात तो साफ है कि मोदी विरोधी गठबंधन के नेतृत्व के लिए दीदी की दावेदारी अब और भी मजबूत हो गई है। तभी तो टीएमसी को उनमें झांसी की रानी नजर आने लगी है जो मोदी लहर को थाम सकती है। लेकिन इसके उलट बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का क्या कहना है, चलिए आपको वो भी सुना देते हैं। शायद झांसी की रानी के ऊपर ये गाली है, ये पुतना हो सकती हैं, झांसी की रानी नहीं बन सकती हैं, जो पूरे बंगाल को तबाह करके रखी हैं, ये किम जोंग बन सकती हैं, जो लोगों को उनके खिलाफ बोलने पर उनकी हत्या कर सकती हैं, ये झांसी की रानी और पद्मावती बनने की ताकत नहीं है जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को समर्थन दे और भारत को तोड़ने की बात करे, हिंदू को निकालने की बात करे, वो झांसी की रानी नहीं हो सकती। झांसी की रानी ने हिंदुस्तान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की लड़ाई। तो चुनाव आते ही नेताओं के आरोप प्रत्यारोप से लेकर एक दूसरे पर टिप्पणियां करने का दौर शुरू हो जाता है। अब कौन झांसी की रानी है, कौन तानाशाह और कौन पूतना, ये तो जनता का जनादेश ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि 2019 का चुनाव वाकई में ऐतिहासिक होने वाला है। इस पर तो पूरी दुनिया की नजर रहेगी कि भारत में अब की बार किसकी सरकार होगी, लेकिन साथ ही बंगाल में कमल खिल पाएगा या नहीं ये देखना भी वाकई दिलचस्प होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे जो ये पानी पी पी करके कोसा जाता है, गालियां दी जाती है, उसकी वजह यही है कि मैं भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं और इसी वजह से ये लोग इतना बौखला गए हैं कि जांच एजेंसियों तक उनको पश्चिम बंगाल आने से मना कर रहे हैं। अरे दीदी, अगर कुछ गलत किया नहीं है तो इतना डरने की भी जरूरत क्या है? अरे किस बात का डर लग रहा है रे? अरे आपको तो याद होगा,
मुझे भी गुजरात में 9-9 घंटे तक बिठाकर दिल्ली से आई जांच एजेंसियां पूछताछ करती थी, वहां भी सीबीआई अपना खेल करती थी। उस समय की यूपीए की सरकार सीबीआई का दुरुपयोग हमारे खिलाफ करती थी, जो चाहे वह करवाती थी, लेकिन हमने कभी संस्थाओं को अपमानित नहीं होने दिया, हमने कभी गुजरात से सीबीआई को निकालने का निर्णय नहीं किया। हमने कहा और को लाना है तो ले आओ, हम ईमानदार हैं, हमें कुछ होता नहीं। लेकिन वो डरे हुए हैं, उनको तो बीजेपी के प्रेसिडेंट के आने पर भी जमीन खिसकने को लग जाती है।